दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने पैसेंजर ट्रेन के बारे में जो कि अभी भी सर्विस में है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे पुराने ट्रेन हैं जो अभी भी सर्विस में है, लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेन को सेलेक्ट किए हैं जो आजादी के पहले से चलाए जा रहे हैं और आज भी उनकी एक अलग पहचान है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है चेन्नई बेंगलोर मेल, जिसकी शुरुआत सन 1864 में की गई थी, जिसे दक्षिण भारतीय रेलवे द्वारा चेन्नई सेंट्रल से बेंगलोर के बीच चलाया गया था। आज भी यह ट्रेन 12657/58 के साथ अपने समय पर चलती है। वर्तमान में बेंगलोर मेल को SWR बेंगलोर डिवीजन द्वारा मेंटेन किया जाता है। यह ट्रेन कर्नाटका एक्सप्रेस के साथ रैक शेयर करता है। शुरू में इस ट्रेन को स्टीम लोकोमोटिव द्वारा पुल किया गया था, बाद में डीजल और आज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा चेन्नई से बेंगलोर की यात्रा को पूरी करवाता है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है कालका मेल। भारतीय रेलवे के इतिहास में कालका मेल भी सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है, जिसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया रेलवे मेल के रूप में सन 1866 में की गई थी। वर्तमान में यह ट्रेन अपनी 152 वर्ष तक की दीर्घकालीन सेवा प्रदान कर रही है। शुरू में इसे 01 अप और 02 डाउन के साथ पेश की गई थी। इस ट्रेन को उस समय के तत्कालीन राजधानी कलकत्ता के सभी ब्रिटिश अधिकारियों और वायसराय को तत्कालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में ले जाने के लिए पेश किया गया था। यह ट्रेन उन्हें हावड़ा से कालका तक ले जाती थी, वहां से एक नैरो गेज ईस्ट इंडिया रेल मेल उन्हें शिमला तक ले जाती थी। आजादी के बाद शिमला की सेवा को बंद कर दिया गया और इसे कालका तक सीमित कर दिया गया। फिर इस ट्रेन के नंबर को चेंज करके 12311/22 दे दिया गया। साथ ही नैरो गेज को शिवालिक सुपर डिलक्स ट्रेन में बदल दिया गया और यात्रियों को कालका से शिमला तक इसी से ले जाया जाता है। दोस्तों दोनों स्टेशनों हावड़ा और कालका के पास प्लेटफॉर्म पर चलने वाले इंटरनल कैरिज वे बनाया गया था, ताकि वायसराय और अन्य उच्च रैंक के अधिकारी अपने रेल कोच तक पहुंच सकें। हावड़ा में कैरिज वे अभी यूज किए जाते हैं जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 के बीच में है, लेकिन कालका के कैरिज वे को तोड़कर प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है दार्जिलिंग मेल। यह ट्रेन एक पूर्वी क्षेत्र में एक महान गाड़ियों में से एक है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 1879 को की गई थी, जो कि आज भी सर्विस में है। यह ट्रेन सिलीगुड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को जोड़ता है। यह एक सुपर फास्ट ट्रेन की सर्विस है। लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है पंजाब मेल। 12137/38 पंजाब मेल भारतीय रेलवे की सुपर फास्ट ट्रेन में से एक है, जिसकी शुरुआत 1 जून 1912 को की गई थी, जिसे मुंबई CST से फिरोजपुर के बीच चलाया गया था। वर्तमान में इसने अपनी 106 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। शुरू में इसे पंजाब लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश अधिकारी सिविल सेवकों और परिवार को सीधे अपने जहाज से लेकर दिल्ली और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक ले जाते थे। लिस्ट में पांचवें नंबर पर आता है गोल्डन टेम्पल मेल। 12903/04 गोल्डन टेम्पल मेल एक सुपर फास्ट ट्रेन की सर्विस है, जिसकी शुरुआत सन 1928 में की गई थी। मुंबई सेंट्रल और अमृतसर के बीच यह एक डेली ट्रेन है। इस ट्रेन की शुरुआत आजादी से पहले भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर पेशावर के बलार्ड पियर से यूरोप स्टीमर द्वारा यात्रियों को पहुंचाने के लिए की गई थी। लिस्ट में छठवें नंबर पर आता है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस 12615/16, जिसे कि GT एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत सन 1929 ईस्वी में की गई थी। यह एक सुपर फास्ट ट्रेन की सर्विस है, जिसे दिल्ली सराय रोहिला और चेन्नई सेंट्रल के बीच चलाया जाता है। यह ट्रेन एक ऐतिहासिक और भारतीय रेलवे द्वारा संचालित सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है। इस तरह से आज आपने इंडिया रेलवे के सबसे पुराने पैसेंजर ट्रेनों के बारे में जाना। दोस्तों इन ट्रेनों में से अगर आपको किसी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।